This is my 2018 Yamaha R1. It's been 3 months since I started this bike. It was 27th of Feb when I parked her here after riding from Jaipur. तो आज सोचो चला ही लेते हैं. बहुत सुस्ती हो गई, 3 महीने हो गए हैं. सो लेट जस्ट अनकवर इट. दिस इज द बेस्ट फीलिंग फॉर श्योर. Not even for once I have started the bike. There was a time I used to ride this daily on regular basis, but since I have been so busy with work and other things, that bike chalana hi nahi hota hai. Na RS nahi hai. RS is parked there. For sure, priorities do change. हालत देखो बाइक की, it's so freaking dirty now. So you saw the bike. हो गई start. It's an altogether a different feeling, trust me. इतने time बाद चलाने में ऐसा लग रहा है अरे bike की position and सब कुछ थोड़ा सा different feel हो रहा है. हवा भी शायद कम है आगे वाले tyres में. हवा कम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है. टेम्परेचर 34 डिग्री अभी. देखो कितनी चला पाते हैं. यहाँ चलाने में कुछ पता नहीं आता. आप चलाओ नहीं उससे पहले ब्रेक मारो, इधर देखो, खड्डे देखो, ये देखो. इट्स नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल, टेलिंग यू. बाइक्स लाइक RS और एडवेंचर स्पोर्ट, दोज बाइक्स आर लव. Switcher to power mode 1. गाड़ी मज़ा नहीं आ रहा ऑटो चलाने में. पावर मोड पर 1 पे करते हैं. गुड टू गो. होप अभी तक याद है मेरे को सारी सेटिंग्स. अच्छी बात है बहुत. अब आया ना. अब आया ना R1 वाला मज़ा. Fifth gear at the speed of 68-70. That's cross plane technology for you. मुझे R1 का क्विक शिफ्टर और ऑटो प्ले पर ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू RS. RS का अगर लो स्पीड्स पे अपन अप शिफ्ट करते हैं ना तो वो जर्क देती है, झटका मारती है. इट नीड्स दैट ऑप्टिमम स्पीड. बट R1 के साथ ऐसा नहीं है. R1 में अभी मैंने जैसे डाला 68 पे,
आप शिफ्ट कर रहा था तो ये कोई जर्क नहीं दे रही थी, तो ये काफ़ी ऑप्टिमम लगता है मेरे को। नाइट राइड्स आर लिटरली बेस्ट स्पेशली इन राजस्थान। सुबह तो भाई मर जाए आदमी, अभी 35 डिग्री हो रखा है, बट सेफ नहीं है यहाँ पे, जानवर वानवर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसका एक थोड़ा डर रहता है। रेस्ट आराम से चलो क्रूज करते हुए अपनी स्पीड पे। पीपल यूजुअली थिंक स्पोर्ट्स बाइक है तो उसको एक स्पीड में दो, मेरा थोड़ा मानना अलग है। आई राइड बाइक टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, वो उसके लिए मुझे 120 पर चलाने की ज़रूरत नहीं है। आई राइड इट कामली, धीरे धीरे सही है। ये जा रहा चौथा गियर, इट्स गोइंग ग्रेट। अलग ही फीलिंग आती है बाइक पे जब हाईवे पे चलाने की, डर लगता है थोड़ा थोड़ा, बट अपनी लिमिट्स में चलाओ तो बेटर है। Those flames, that's Austin racing for you. Feels so good. Many people requested me to do a high speed run, थोड़ी तेज़ चला के इसकी टॉप स्पीड। भाई अब मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ, सो डोंट रिक्वेस्ट मी फॉर दैट। मैं बहुत कामली राइड करता हूँ, चाहे कार हो या बाइक हो, आई डोंट गो बियॉन्ड 85-90 इन कार। और बाइक पे, ये बाइक है इसको गियर जीरो 100-110, दैट टू नॉट वेरी ऑफन। तो सॉरी बट मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। I don't make videos for entertainment. Basically, मैं videos बनाता हूँ for memories. मैं ये सब नहीं करता हूँ, high speed run and all. I ride very calmly. I find Indian roads very risky. तो ये सब तो नहीं हो पाएगा, आप खुद देख रहे हो। राइडिंग ए 200cc बाइक और लेकिन मेरी स्पीड 85-90 के ऊपर नहीं लेके जाता हूँ, जस्ट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट इंडियन रोड्स एट ऑल। तो एक वीडियो के लिए लाइफ को रिस्क में लाना, चलाने वाला चलाते हैं बट मुझसे नहीं होता है। लास्ट ईयर जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया, अभी मैं एक सेपरेट वीडियो कि क्या एक्सीडेंट हुआ था और ऐसा क्यों बदल गया कि लाइफ लॉन्ग मेरी राइडिंग स्टाइल और ड्राइविंग स्टाइल पूरा बदल गया। द
एज अ क्रॉस पिन इंजन, मतलब इस R1 का इंजन हो, दिस इज वे टू स्मूथ कंपेयर टू फ्लैट इन लाइन फोर्स और थ्री, जैसे मेरे पास आ रहे थे तो मैं उससे बोल सकता हूँ. इंजन ऑन दिस, इन दिस, ऑन दिस बाइक इज वेरी स्मूथ फॉर श्योर. सिर्फ उतने वाइब्रेशन है जितना आपको लगता है कि यार आप एक मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं चला रहे हो, रेस्ट नो बजीनेस, ना ऐसा कुछ भी नहीं कि जो बॉदरसम हो. इस रोड पे ना पहले इस टोल को क्रॉस करते आई यूज टू बी लाइक फुल ड्राइव करता था मैं, ऐसे करता था. मैंने एक दो बार आगे तो टायर भी पॉप हो गया था और अभी तक तो मैं 200-220 टच कर देता था, बट अब वो सब नहीं करता मैं. जस्ट अ कैजुअल संडे राइड. That accident taught me a lot and changed my lifestyle, the way I used to ride. सारे जो मेरे बिलीफ थे उनको एक बार ही में ख़त्म कर दिया कि ब्रेम्बो हो या कोई अच्छी ब्रेक्स हो तो यू कैन स्टॉप द बाइक, कुछ नहीं रुकता भाई. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू, टाइम मिल जाए. अभी सोच रहे हैं एक 2-3 दिन की राइड पे होके आने के लिए, तो विल टेक आरएस फॉर दैट. R1 पे तो नहीं होगा, आरएस पे ये देखा बिना इंडिकेटर के हाथ दे रहे हैं रात को. लिटरली दीज गाइज आर नट्स, इंडिकेटर जैसी चीज़ बिलीव ही नहीं करते. हाईवे पे थर्ड लेन से फर्स्ट लेन सिर्फ हाथ दे के, डोंट नो व्हाट दीज गाइज आर अप टू, खुद की दूसरों सबकी जान के साथ रिस्क करते. Wasn't a big ride, छोटी सी राइड थी, सोचा बाइक चला लूँ, तीन महीने हो गए. सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग मैनी वीडियोज, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिजनेस में और चीज़ों में, लाइफ में बहुत बिजी चल रहा हूँ. ये भी सोचा आज चले जाता हूँ, काम थे, बट मैंने कहा बाइक चलाना भी ज़रूरी है क्योंकि कान सी R1 ऐसे पड़े हुए साइड में. शी इज लव ऑफ माई लाइफ. नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक वो वाली वीडियो बनाने की कि इसके अंदर क्या क्या मॉड्स करे हुए हैं, क्या क्या एसेसरीज डली हुई है, एंड इट्स ECU ट्यून्ड और पावर भी बढ़ी हुई है इसकी, फिफ्थ गियर. ओके, तो करते हैं, नेक्स्ट वीक वीडियो बनाते हैं. वीडियो में कुछ अच्छा तो था नहीं कि मैं बोलूँ लाइक करो, इट्स ऑल योर कॉल. सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, मिलते हैं नेक्स्ट वीक.